भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत रहस्य में से भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। माता देवहूति को तीव्र भक्ति करने की आज्ञा दी है। तीव्र भक्ति का अर्थ है एक भी क्षण ईश्वर से विभक्त न होना। इस तरह प्राकृतिक गुणों से निष्पन्न शब्द आदि विषयों का त्याग करके वैराग्य युक्त ज्ञान से, योग से और मेरे प्रति की गई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य अपनी इसी देह में अपनी अंतरात्मा के समान मुझे प्राप्त कर लेता है। भगवान की अहेतुकी निष्काम भावना भक्ति से श्रेष्ठ है। कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं, ये सब जो दृश्यमान है वो सत्य नहीं है। सपना असत्य होते हुए भी सुख दुख देता है। जिस प्रकार सपना देखने वाले को अपना मस्तक बिना कटे भी उसके कट जाने की भ्रांति होती है और वो रोने लगता है, उसी प्रकार अविद्या के कारण जीवात्मा को सब प्रकार भ्रांति होती है। इसे ही माया कहते हैं। वस्तु न होने पर भी जैसे वो स्वप्न में दिखाई देती है, उसी तरह तात्विक दृष्टि से कुछ भी न होते हुए भी जागृत अवस्था में माया और अज्ञान के कारण सब कुछ का आभास होता है। कपिल आगे कहते हैं, माता जगत स्वप्न जैसा है। ये सिद्धांत भागवत में बार बार इसलिए कहा गया है ताकि जगत के पदार्थों के लिए मोह न जागे, संसार के विषयों के प्रति पूर्णतः वैराग्य हो। इसलिए ये कहा गया है, सांसारिक सुख के उपभोग की लालसा जब तक बनी रहे तब तक मानो कि तुम सोए हुए हो, जागे हुए को ही कन्हैया मिलता है। सुख भोगने की इच्छा बड़ी दुखद है। भागवत ध्यान में जगत विस्मृत हो जाए तभी ब्रह्म संबंध जुड़ पाता है। ध्यान में प्रथम शरीर को स्थिर करो, फिर आँखों को स्थिर करो और अंत में मन को स्थिर करो। जब तक शरीर और आँखें स्थिर नहीं हो पाती हैं, तब तक मन स्थिर नहीं हो पाता। आँखों में श्री कृष्ण के स्थिर होने पर मन शुद्ध होता है। भागवत गोवर्धन नाथ का स्वरूप है। श्री कृष्ण के स्वरूप में ध्यान रखकर कथा सुनो। आंखें श्री कृष्ण में और प्राण कानों में स्थिर कर कथा सुनो। जिसे ध्यान करना है वो एक आसन पर बैठे और मन को स्थिर करे। ध्यान करते समय संसार को मन से निकाल बाहर करो। ध्यान करने से मन स्थिर होता है। बिना ध्यान के दर्शन परिपूर्ण नहीं होता। भोग भूमि में रहकर भगवान का ध्यान करना टेढ़ा काम है। संसार में रहकर ज्ञान भक्ति में निष्ठा रखना सरल नहीं है। भूमि का मन पर प्रभाव पड़ता ही है। ध्यान करने वाले को चाहिए कि वो पवित्र और एकांत स्थान में बैठकर ध्यान करे। कपिल कहते हैं, माता जिसे ध्यान करना है वो पवित्र भोजन का परिमित मात्रा में सेवन करे। आहार सात्विक और अल्प होना चाहिए। जिसे अजीर्ण हो वो ब्रह्मचार्य का सेवन नहीं कर सकता। जिसे ध्यान करना हो वो चोरी न करे। अस्तेय मनुष्य कई बार आंख और मन से भी चोरी करता है। अन्य की वस्तु का मानसिक चिंतन भी चोरी ही है। जो ध्यान करना चाहता है उसे ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। सभी इंद्रियों से ब्रह्मचार्य का पालन किया जाए। कई लोग शारीरिक ब्रह्मचार्य का पालन करते किंतु मानसिक ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करते। ब्रह्मचार्य का मानसिक भंग शारीरिक भंग जैसा ही है। मन से करो या आंखों से, किंतु चोरी तो चोरी ही है। अतः प्रत्येक इंद्रियों से ब्रह्मचार्य का पालन करो, केवल शरीर से नहीं मन से भी ब्रह्मचार्य का पालन करो। एक दिन के ब्रह्मचार्य भंग से 40 दिन तक मन स्थिर नहीं हो पाता। जब तक देह का भान है तब तक धर्म को न छोड़ो। इसके बाद ध्यान की विधि बताई गई है जिसका वर्णन पहले हो चुका है। कपिल भगवान ने माता देवहूति को ध्यान करने की आज्ञा दी। ध्यान के बिना ईश्वर का अनुभव नहीं होता। रात्रि को सोने से पहले प्रभु का ध्यान करो। वे कहते हैं, माता परमात्मा के अनेक स्वरूप हैं, जिनमें से किसी को भी इष्ट देव मानकर उसका ध्यान करो। व्यास जी ने किसी विशेष स्वरूप का आग्रह नहीं किया। तुम्हें जो भी स्वरूप पसंद आए उसी का ध्यान करो। हे माता, तुम चतुर्भुज नारायण का ध्यान करो। ध्यान करने से पहले ठाकुर जी के साथ संबंध स्थापित करना जरूरी है। दास भक्ति में पहले चरणों में दृष्टि स्थिर करनी पड़ती है। बार बार मन को
किसी भी एक स्वरूप में स्थिर करो। ध्यान में तन्मयता होने पर संसार विस्मरण हो जाता है। ध्यान में देह भान और जगत भान विस्मृत होता जाता है। ज्यों ज्यों संसार का विस्मरण होता है त्यों त्यों प्रभु स्मरण में आनंद आने लगता है। शक्कर की एक गुड़िया सागर में गहराई नापने अंदर गई लेकिन वो वापस नहीं आई। गई सो गई। परमात्मा समुद्र के समान व्यापक है, विशाल है। ज्ञानी पुरुष परमात्मा के स्वरूप के साथ ऐसे घुलमिल जाते हैं कि वहां कोई कुछ बताने वाला नहीं रह जाता। ध्यान करने वाला ध्यान करते हुए ध्येय में मिल जाता है, यही अद्वैत है। ध्यान करने वाले का अहम भाव मेरापन ईश्वर से मिल जाता है। ध्येय भाव के विस्मृत होने पर जीव और शिव एक हो जाते हैं। कुछ ज्ञानी लोग भेद भाव से ध्यान करते हैं तो कुछ ज्ञानी लोग अभेद भाव से। ये पहले भेद भाव से ध्यान करते हैं और फिर अभेद भाव से। फिर जीव का जीवत्व ईश्वर में मिल जाता है। जीवत्व स्वतंत्र नहीं रह पाता। जिस प्रकार कीड़ा भंवरी का स्मरण करते हुए स्वयं भंवरी बन जाता है, उसी प्रकार ईश्वर का चिंतन करते करते जीव प्रभु में बन जाता है। दोनों का मिलन होने के बाद जीव भाव नहीं रह जाता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुमही होई जाई। किंतु उसे कौन जान सकता है? जिस पर वो स्वयं कृपा करता है वही उसे जान पाता है, और फिर उस प्रभु को जानकर वो तन्मय हो जाता है। ध्याता जिस स्वरूप का ध्यान करता है उसी ध्येय की शक्ति ध्याता ध्यानकर्ता में आती है। शंकराचार्य के जीवन का एक प्रसंग है। एक यवन उनसे मिलने आया और बोला कि मैं भैरव यज्ञ करना चाहता हूँ। भैरव यज्ञ में पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट के मस्तक की आहुति देनी पड़ती है। वो तो अप्राप्य है, अतः तुम ही अपना मस्तक मुझे दे दो। तुम्ही ने कहा है कि आत्मा देह से भिन्न है, परमात्मा से भिन्न है। देह दान से तुम मर नहीं जाओगे, अतः मस्तक मुझे दे दो। शंकराचार्य ने कहा, मेरे शारीरिक मस्तक से अगर तेरा काम बन सकता है तो ले जा। शंकराचार्य का देह ध्यास दूर हो चुका था, अतः वे मस्तक देने को तैयार हो गए। वे बोले कि जब शिष्य न हो और मैं ध्यान मग्न हूं तभी आकर मस्तक ले जाना। एक दिन मठ में जब अन्य कोई नहीं था तब वो यवन मस्तक लेने आया। भगवान शंकर के शिष्य पद्मपाद नरसिंह स्वामी के भक्त थे। उन्हें गंगा किनारे कई बार अपशकुन हुए, अतः वे दौड़ते हुए आश्रम में वापस आए। उन्होंने वहां देखा कि एक यवन तलवार से गुरुजी का मस्तक काटने की तैयारी कर रहा है। पद्मपाद ने क्रोध से सिंह बनकर उस यवन को चीर फाड़कर मार डाला। ये प्रसंग हमें बताता है कि उपासक में उपास्य की शक्ति आरोपित होती है। नरसिंह का ध्यान करने से पद्मपाद में नरसिंह का आवेश उतर आया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, मदिरा से मध्यांत बने व्यक्ति को जिस प्रकार अपनी देह का भान नहीं रहता, उसी प्रकार ध्यान करता हुआ जो अपनी देह का भान भूल जाता है वो भगवान के पीछे पड़ जाता है। प्रभु प्रेम में जो पागल हो जाता है वही सुखी है, अन्य सब दुखी हैं। भगवान के सिवाय और कोई है ही नहीं। उस समय दृष्टा भी भागवत रूप हो जाता है। ये अपरोक्ष साक्षात्कार है। ऐसी तन्मयता होने पर भक्ति सुलभ हो जाती है। कपिल मुनि उपदेश देते हैं, माता इन सब की अपेक्षा श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए जो व्यक्ति देह भान भूल जाता है वो सर्वश्रेष्ठ है। भगवत भक्त प्रारंभ कर्मों को भी मिथ्या कर सकते हैं, अतः वे श्रेष्ठ हैं। प्रेम अन्योन्य होता है। जब तुम ठाकुर जी का सदैव स्मरण करोगे तो वे भी तुम्हें नहीं भूलेंगे। एक बार नारद जी बैकुंठ लोक में आए। लक्ष्मी जी तो वहां थी किंतु भगवान नजर नहीं आए। इधर उधर ढूंढने पर उन्होंने देखा कि भगवान ध्यान लगाए हुए बैठे हैं। नारद जी ने उनसे पूछा, किसका ध्यान कर रहे हैं आप? भगवान ने कहा, मैं अपने भक्तों का ध्यान कर रहा हूँ। भगवान अपने प्रिय भक्तों का ध्यान करते हैं। नारद जी ने पूछा कि वे तो वैष्णव, क्या आपसे भी श्रेष्ठ हैं जो आप उनका ध्यान कर रहे हैं? भगवान ने कहा, हाँ वे मुझसे भी श्रेष्ठ हैं। तब नारद जी ने कहा कि जरा अपनी बात सिद्ध करके दिखाइए। भगवान ने पूछा, जगत में सबसे बड़ा कौन है? नारद जी ने कहा, पृथ्वी। प्रभु ने कहा, पृथ्वी शेष नाग के सिर पर टिकी हुई है तो फिर वो कैसे श्रेष्ठ मानी जाए? नारद जी तो शेषनाग बड़े हैं।
भगवान वो बड़ा कैसे हो गया, वो तो शंकर जी के हाथ का कंगन है। अतः शिवजी महाने उनसे बड़ा रावण है, क्योंकि उसने कैलाश पर्वत उठा लिया था। रावण भी कैसे बड़ा कहा जाए, क्योंकि बाली उसे अपनी बगल में दबाकर संध्या करता था। बाली कैसे बड़ा माना जाएगा, क्योंकि उसको राम जी ने मारा था। नारद जी, तब तो आप ही श्रेष्ठ हैं। भगवान, नहीं, मैं भी श्रेष्ठ नहीं हूँ, मेरी उपेक्षा मेरे भक्तजन श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सारा विश्व मेरे हृदय में समाया हुआ है, किंतु मैं भक्तों के हृदय में समाया हुआ हूँ। मुझे अपने हृदय में रखकर ये भक्तजन सारा व्यवहार निभाते हैं, अतः ये ज्ञानी भक्त मुझसे और सभी से श्रेष्ठ हैं। भगवान के भक्त भगवान से भी आगे बढ़कर हैं, राम से अधिक राम कर दासा। मेरे निष्काम भक्त किसी भी प्रकार की मुक्ति की इच्छा नहीं करते, मेरी सेवा करने के अलावा और कोई इच्छा नहीं रखते। मेरे निष्काम भक्त मेरी सेवा को छोड़कर सलोक्य, सरश्रित, समीप्य, समरूपीय और सयुरज्य मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करेंगे। नरसिंह मेहता ने गाया है, अर्थात हरिजन मुक्ति नहीं, जन्म जन्म में अवतार चाहते हैं कि जिससे प्रभु की नित्य सेवा, कीर्तन, उत्सव करके नंद कुमार का दर्शन किया जा सके। वृंदावन धन्य है, लीला धन्य है, और वे ब्रजवासी भी धन्य हैं कि जिनके आंगन में अष्ट महासिद्धि खड़ी है और मुक्ति जिनकी दासी है। ब्रह्म लोक में भी जो प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा श्रेष्ठ पदार्थ भक्ति केवल पृथ्वी पर ही परपाय है। मेरे भक्त जन मेरे प्रेम रूपी अप्रकृत स्वरूप को प्राप्त करते हैं, जबकि देह के में आसक्त पुरुष अधोगति पाते हैं। कपिल जी कहते हैं, माता और मैं क्या कहूँ, ईश्वर से विभक्त हुआ जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। वृद्ध अवस्था में ये शरीर तो जर्जर हो जाता है, किंतु मन और बुद्धि जवान ही रह जाते हैं। यौवन में जिनका उपभोग किया था, उन सुखों का बार बार चिंतन करता रहता है। भगवान का चिंतन न हो सके तो कोई हर्ज नहीं है, किंतु सांसारिक विषयों का चिंतन तो कभी मत करो। वृद्धावस्था में दुख सहना पड़ता है, सेवा कोई नहीं करता। यदि तुम अपने माता पिता की सेवा करोगे तो तुम्हारी वृद्धावस्था में तुम्हारी संतानें तुम्हारी सेवा करेंगी। माता पिता, गुरु, अतिथि और सूर्य, ये चार इस संसार में प्रत्यक्ष देव हैं, इनकी सेवा करो। मनुष्य के पास वृद्धावस्था में धन नहीं होगा तो उसकी दशा कुत्ते जैसी होगी। वृद्धावस्था में दुखी होने पर भी ममता नहीं छूटती है। औरों को सुखी करोगे तो सुखी होगे। वृद्धावस्था में शरीर के दुर्बल हो जाने पर भी सत्संग और भजन करने से मन और जीवा युवा होंगे। वृद्धावस्था में ये जीभ बहुत सताती है। पाचन शक्ति के ठीक न होने पर भी बार बार खाने की इच्छा होती है। शरीर ठीक रहे तब तक बाजी हाथ में है। इतने में प्रभु को प्रसन्न करोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। बूढ़ा खटिया पर पड़ा है, मन शुद्धि भी सेज पर ही करनी पड़ती है। मृत्यु के 6 मास पहले यमदूत का स्वरूप में दर्शन होता है। अति पापी को वृद्ध अवस्था में यमदूत दिखाई देता है। जिनके लिए पानी की तरह पैसे बहाए हों, वे लोग उस मरण के किनारे पहुंचे हुए बूढ़े के मरण की बेसब्री से राह देखते हैं। मरते मरते हमें कुछ देता जाएगा, ऐसा सोचकर ही परिवार के लोग उसकी सेवा करते हैं। सभी स्वार्थी रिश्तेदार आ पहुंचते हैं। रिश्तेदारों को भागवत ने लोमड़ी कुत्तों जैसा कहा है। पुत्रियां भी बड़ी लालची होती हैं। पिता की बीमारी की खबर सुनते ही दौड़ी आती हैं। पिताजी, मैं आपकी मड़ी, मुझे नहीं पहचाना। किंतु मड़ी बहन कुछ भी उजाला दे नहीं सकी। वो बूढ़ा रो रहा है। वो जानता है कि स्त्री या संतान कोई साथ नहीं जाएगा, मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। फिर भी विवेक नहीं आ पाता। यमदूत इस जीव आत्मा को देह में से बाहर खींच निकालते हैं। अंतकाल में 2 यमदूत आते हैं, पुण्य पुरुष और पाप पुरुष। दोनों यमदूत जीव आत्मा को मारते हैं। पुण्य पुरुष जीव से कहता है कि पुण्य करने का तुझे अवसर दिया गया था, फिर भी तूने पुण्य नहीं कमाया। मरते समय जीव बुरी तरह छटपटाता है। यमदूतों की गति पक से आंख तक होती है। ब्रह्मरंध्र में जो अपने प्राण को स्थिर कर सकता है, उसका यमदूत कुछ नहीं कर सकते। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा।